गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे संविधान की विशेषताएं। कल हमने संविधान की कई सारी विशेषताएं पढ़ ली थी। आज जो विशेषताएं बची हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे संविधान की अगली जो विशेषता आती है वो आती है व्यस्क मत अधिकार। व्यस्क मत अधिकार, और व्यस्क मत अधिकार का मतलब होता है जिस भारतीय नागरिक की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उसे मत देने का अधिकार मिल जाता है। उसे क्या मिल जाता है? मत देने का अधिकार मिल जाता है। इसे ही हम व्यस्क मत अधिकार कहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय बड़ी सोच और समझ के साथ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया था, लोकतंत्र को अपनाया था। और लोकतंत्र का अर्थ होता है लोक मीन्स जनता और तंत्र मीन्स शासन, अर्थात जनता का शासन। अब जनता का शासन आज भी इब्राहिम लिंकन द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की जो परिभाषा आज भी मान्य है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब देखिए, इस लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उन प्रतिनिधियों को मत देने का जो अधिकार है वो कितनी वर्ष के व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक न्यूनतम आयु निर्धारित की कि इतने वर्ष का व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, अपना जन प्रतिनिधि चुन सकता है। प्रतिनिधि तो देखिए, हम संविधान की विशेषता जो एक हमारे संविधान को विशेष बनाता है वो विशेषता है व्यस्क मताधिकार। व्यस्क मताधिकार, व्यस्क 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 मताधिकार का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। मूल संविधान में ध्यान रहे, मूल संविधान में, मूल संविधान में व्यस्क माना जाता था 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले को, करने वाले को। तो देखिए, मूल संविधान में व्यस्क माना जाता था 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले को, अर्थात जिस व्यक्ति की
उम्र 21 वर्ष हो गई है, वो अपना मत दे सकता है, उसे मताधिकार दिया जाता था, और इस मताधिकार कोई व्यस्क मताधिकार कहा जाता है। व्यस्क का मतलब होता है कि अब ये सोचने समझने वाला किसी के बहकावे में, किसी के प्रलोभन में नहीं आ सकता, अर्थात अपनी सूझबूझ दृष्टि के साथ अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बस व्यस्क मताधिकार मूल संविधान में व्यस्क माना जाता था 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले को, लेकिन 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 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ, कब हुआ? 1989 में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कर 18 वर्ष कर दी गई। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में व्यस्त माना जाता था 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले को, लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में, याद रहे बीपी सिंह गवर्नमेंट में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, 61वां संविधान संशोधन हुआ, और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अब जो पहले व्यस्क माना जाता था 21 वर्ष वाले को, लेकिन वर्तमान में व्यस्क माना जाता है 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति को व्यस्क माना जाता है। अर्थात भारत के ध्यान रहे, नॉट भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326, अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 326 व्यवस्था करता है कि जिस भारतीय नागरिक की उम्र 18 वर्ष हो गई है, क्या कहता है हमारा संविधान, क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में व्यवस्था की गई है, दर्शाया गया है या वर्णन किया गया है कि जिस भी भारतीय व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो गई है उसे व्यस्क माना जाएगा, और उसका नाम निर्वाचन विभाग के द्वारा भारत की मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा, अर्थात वो मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मत देने का अधिकार मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 किसका 326 में वर्णित है
क्या वर्णित है कि जिस भी भारतीय नागरिक की उम्र आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है उसे वयस्क माना जाएगा और निर्वाचन विभाग द्वारा उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति को अपना मत का प्रयोग करने का अधिकार या मत देने का अधिकार निर्वाचन विभाग के द्वारा दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? निर्वाचन विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 326 में वर्णित है। हमारे कई देश आज भी ऐसे हैं जहां मत देने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, लेकिन दूरदृष्टि और सूझबूझ का परिणाम रहा हमारे संविधान निर्माताओं ने, महिला और पुरुष को समान अधिकार दिया गया, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, लड़का है या लड़की है, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उसे मत देने का अधिकार सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। ये व्यवस्था, ये भी जो कि हमारे संविधान को एक विशेषता प्रदान करता है, तो हम ये हमारे संविधान की वयस्क मताधिकार वाली विशेषता हुई। हमारे संविधान में ये भी एक विशेषता है कि सभी व्यक्तियों को संविधान के द्वारा जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है ऐसे व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग आयु के व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार होता है। कई देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया जाता है, लेकिन लगभग लगभग आज तो विश्व के कुछ देशों को छोड़कर के महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दे दिया गया है। तो ये हमारी वयस्क मताधिकार वाली विशेषता आई, क्योंकि भारत का संविधान बड़ी दूरदृष्टि सूझबूझ समझ और अन्य देशों के संविधानों का मंथन करके, अन्य देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद संविधान निर्माता ने इसको बनाया है। अगली जो विशेषता आती है, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य, देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है कि हमारे देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, अर्थात सभी धर्म समान होंगे, सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्म समान होंगे अर्थात कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है हमारा, हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को चाहे वो कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता होगी, उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, सभी धर्म समान होंगे। इसलिए वेंकट रमन एक विद्वान है, उन्होंने कहा है
पंत ने पिक राज मैं तो धार्मिक है न अधार्मिक है न धर्म विरोधी है बल्कि धार्मिक कार्यों व सिद्धांतों से सर्वथा पृथक है अर्थात सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। पंत निरपेक्ष जो हमारी अगली विशेषता आती है उसका मतलब है पंत निरपेक्ष राज। पंत निरपेक्ष का मतलब होता है कि देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान होंगे, सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसीलिए श्री वेंकटरमन ने कहा था ना हमारा राज धर्म विरोधी है ना धर्म समर्थन करता है, अर्थात धर्म के मामले में तटस्थ है। तो ये अगली विशेषता आती है पंथ निरपेक्ष राज्य। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रस्तावना में जोड़ दिया गया, हमें सभी हमारे सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों को, क्योंकि मूल अधिकार में भी कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात 25 से 28 अनुच्छेद उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो हमारे संविधान की ये अगली विशेषता आती है और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया कि ना भारत धर्म विरोधी है ना धर्म को संरक्षण दे, अर्थात देश का कोई राजकीय धर्म ना होते हुए सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। विलक्षण दस्तावेज, अगली जो विशेषता आती है वो आती है भारतीय संविधान की कि विलक्षण दस्तावेज, बड़ी सूझबूझ और दूरदृष्टि का परिणाम है संविधान निर्माताओं ने इस तरीके से अपनी सोच को, जिससे कि भारतीय लोगों का मूल भावनाएं आदर्श जो थे जो उद्देश्य थे उसको समाहित कर दिया संविधान में। विलक्षण दस्तावेज का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका ने तो इसे प्रतिमान के रूप में, हमारे संविधान को किसके रूप में माना है, प्रतिमान के रूप में, प्रतिमान प्रतिमान के रूप में अपना लिया है, लिया है। ठीक है, इसलिए जो अगली विशेषता आती है वो आती है विलक्षण दस्तावेज। कौन सी विशेषता आती है, विलक्षण दस्तावेज, विलक्षण अद्भुत है हमारा संविधान, सभी भारतीय लोगों की भावनाएं, उनके आदर्श मूल, इन सभी को समाहित कर दिया गया है भारतीय संविधान में, अर्थात हमारे देश के संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका ने तो इसे प्रतिमान के रूप में अपना लिया है। ठीक है, अगली जो विशेषता आती है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। हमारे संविधान निर्माता, हमारी संविधान सभा ये चाहती थी कि देश के टुकड़े ना हो, देश की एकता और अखंडता कायम रहे, हमेशा के लिए कायम रह सके, देश की एकता और अखंडता के लिए कोई खतरा उत्पन्न ना हो, इसलिए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग बिठाया। एकात्मक का मतलब होता है कि सभी शक्तियों का उपयोग एक केंद्र सरकार करती है, और संघात्मक का मतलब होता है
कि संविधान के द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना, शक्तियों को बांट देना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, अर्थात एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है। देखिए, जब जब हमारे देश पर एकात्मक कब होता है, ये देखिए, संकट काल में एकात्मक हो जाता है। एकात्मक संकट काल में एकात्मक हो जाता है, अर्थात जब हमारे देश में अशांति, आंतरिक अशांति, भारी आक्रमण की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित हो जाता है। संकट काल में, संकट काल का मुकाबला करने के लिए, संकट काल से निपटने के लिए हमारा संविधान एकात्मक हो जाता है और शांति काल में संघात्मक हो जाता है। अब देखिए, एकात्मक कई, जैसे एकात्मक के लक्षण कौन कौन से हैं, एकात्मक वाले